समर्थन अभियान 2018 के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आम जनमानस को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एनआईटी चौक हमीरपुर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के लड़के तथा लड़कियों के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भाग लिया। पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीणा ने एनआईटी चौक से मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं का कोई समय नहीं होता है, केवल जानकारी तथा बेहतर प्रयास से ही इनसे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिला में 1 अक्टूबर से विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य संस्थानों पर पुलिस तथा गृह सुरक्षा विभाग के जवानों द्वारा आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की गई तथा बच्चों, अध्यापकों तथा आम लोगों को आपदाओं के दौरान उनसे निपटने के लिए बेहतर प्रबंध के तरीके बताए गए। उन्होंने बताया कि मैराथन दौड़ के लिए एनआईटी चौक से गरने दा गलू होते हुए कोर्ट तथा कोर्ट से उसी रास्ते राष्ट्रीय उच्च मार्ग से एनआईटी चौक तक का रूट निर्धारित किया गया था। मैराथन दौड़ में पुरुषों के वर्ग में मोही के सन्नी, कुठेड़ा के साहिल तथा कोर्ट के संजीव ने पहला, दूसरा तथा तीसरा, जबकि महिला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर की शिवाली पहले, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अणु की प्रिया दूसरे तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुरेला की निशा तीसरे स्थान पर रही। इस अवसर पर पुरुषों के जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विशाल ने पहला, दांदलू के अनुज ने दूसरा तथा द्रोगण के विकास ने तीसरा स्थान, जबकि महिला के जूनियर वर्ग में गुलेला स्कूल की रिचा, शिवानी तथा अवनीता पहले, दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रही। अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम ने विजेताओं को नगद राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान कर सम्मानित किया। इसके पश्चात उपायुक्त कार्यालय परिसर के नजदीक गृह सुरक्षा विभाग की ओर से आपदा प्रबंधन तथा बचाव को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम ने कहा कि जिला में आपदा प्रबंधन को लेकर पूर्ण प्लान तैयार किया गया है तथा परस्पर बेहतर समन्वय हेतु नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, ताकि आपदाओं के दौरान बेहतर ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि जिला में समर्थन अभियान के तहत गृह रक्षा, पुलिस विभाग तथा सांस्कृतिक दलों के माध्यम से नुक्कड़ नाटकों का आयोजन कर लोगों को आपदाओं तथा उनसे सुरक्षा एवं बचने के उपायों के बारे में जागरूक किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला में उपमंडल स्तर पर भी आपदाओं के दौरान बेहतर ढंग से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान किए गए हैं। इस अवसर पर एसडीएम नदौन दिलेराम धीमान, गृह सुरक्षा वाहिनी प्रशासनिक अधिकारी आशा राम शर्मा, अधीक्षक पुष्पा ठाकुर भी उपस्थित रहे।